ये वाला है मेरा, ये दरवाजा बंद पड़ा है। और ये सब्जी, सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गया है, इसको मैं बंद भी कर देता हूँ। पपीता है, कीवी है, क्योंकि डेंगू हो गया था तो डेंगू में पपीता और ये खाना पड़ता है कीवी, क्योंकि प्लेटलेट मेरा काफी कम हो गया था, मतलब 27,000 पे आ गया था प्लेटलेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मेरी तबीयत काफी तेज खराब हो गई थी, मुझे हो गया था डेंगू, जो कि मैं एक हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट था। सो उसके वजह से अभी मैं काफी वीकनेस फील कर रहा हूँ और मुझे, मतलब कि मुझे घर जाना पड़ रहा है। सो आज रात को मेरा 11:30 बजे ट्रेन है और मैं 11:30 बजे रात को मेरी ट्रेन है, वहाँ से मैं निकलूंगा और घर जाऊंगा। तो शाम को निकलूंगा, अभी तो नहीं, बट उससे पहले मैं थोड़ा, जो मेरा रूम है काफी गंदा हो गया था, काफी बेकार हो गया था, क्योंकि मैं एक हफ्ते से यहाँ पे नहीं था, हॉस्पिटल में था, तो बहुत ही गंदा हो गया था और काफी सामान जो है इधर उधर बिखर गए थे। तो मैं अभी थोड़ा उसको ठीक ठाक कर रहा हूँ, थोड़ा इधर सामान वामान थोड़ा सा ठीक ठाक करके थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाऊंगा अच्छे से, और फिर मैं शाम को यहाँ से निकलूंगा। तो बैग में जो भी है कपड़ा वपड़ा भी डालना है, तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो मैं काम कर लेता हूँ, और काम करने के बाद फिर शाम को मैं यहाँ से निकलूंगा। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, इतना गंदा है, मतलब दिखाने का मन तो नहीं कर रहा है, और फिर भी दिखा देता हूँ कितना गंदा है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं शाम को निकलूंगा नहा वहा के जो भी है। तो फिलहाल इसके लिए मैं थोड़ा, वैसे करने का मन नहीं कर रहा है, काफ़ी वीकनेस है मेरे अंदर काफ़ी, मतलब कि तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं सोचा कि इसको ठीक कर देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो, ये सब पूरा काफ़ी गंदा हो गया है, और ये खाने पीने का सामान था इधर क्या क्या रखा हुआ है, ये पपीता है, कीवी है, क्योंकि डेंगू हो गया था तो डेंगू में पपीता और ये खाना पड़ता है कीवी, क्योंकि प्लेटलेट मेरा काफ़ी कम हो गया था, मतलब 27,000 पे आ गया था प्लेटलेट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया था मैं। और इतना प्लेटलेट कम हो जाना, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी भी मतलब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं करूँगा। ये एलोवेरा का मैं जूस पी रहा था, अभी भी है इसमें से बचा हुआ, तो ये मैं ख़त्म करूँगा। और इधर खजूर है, और ये सब पपीता वगैरह जो भी है, ये हमारा बुक इधर पड़ा हुआ है, और जो भी है लैपटॉप वगैरह ये सब, और देख सकते हो ये कितना गंदा हो गया था। तो इसको मैं, इधर काफ़ी सारे सामान थे, इसको मैं अभी हटाया हूँ, और हटाने के बाद थोड़ा झाड़ू लगाऊंगा। और ये हमारा बैग है, बैग भी रेडी करना है इसको, कपड़ा वपड़ा जो भी है इसे इधर मैं रख दिया हूँ और बाद में डाल दूंगा इसको। सो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको मैं ठीक करता हूँ और थोड़ा इसको झाड़ू वाड़ू लगा देता हूँ। और ये देखो, ये हमारा गिटार इधर टांग दिया हूँ, इसको लेके नहीं जाऊँगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा इधर। सो ये है रूम, देख सकते हो काफ़ी गंदा है। सो दोस्तों ये थी रूम की हालत, वैसे मुझे जाने का मन तो नहीं था, बट घर से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है कि नहीं आना ही पड़ेगा क्योंकि, और तो मुझे भी लगता है कि जाना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा वीकनेस जो है वो ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा खाने के लिए थोड़ा सा मतलब इंतजाम वगैरह हो जाएगा। सो फिलहाल मैं अभी इसको ठीक करता हूँ रूम को, और थोड़ा साफ सफाई करता हूँ, फिर मैं देखते हैं आगे क्या करना है। ये बैग भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ है ऐसे ही, तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया, इसको भी थोड़ा सफाई करना बहुत ज़रूरी है, पूरा डस्ट आ गया इसके। सो गाइस, मैं रूम सफाई कर दिया, जितना हो सकता है मैंने कर दिया है, और झाड़ू वाड़ू जो भी है मार दिया, और बैग भी काफ़ी गंदा हो गया था उसको भी मैंने सफाई कर दिया है। और इतना ही टाइम में मेरे को मतलब काफ़ी थकान सी हो रही है, मतलब काफ़ी वीकनेस हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं लेट जाऊँ, पूरा पसीना हो गया। तो जितना हो सकता है मैंने किया है, अभी देखते हैं और क्या करना है, अभी ये सब ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर शाम को देखते हैं यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस देख सकते हो, थोड़ा बहुत मैंने सफाई कर दिया है, जितना हो सकता है मैंने बैग वैग भी सफाई किया, ये मेरा शूज है इधर, और ये थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है, मतलब पहले से तो बेटर ही है, जो भी ये सब सफाई करके मैंने उधर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं अब रेस्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी वीकनेस हो रहा है मेरे को। सो चलो मिलते हैं बाद में, पहले इसको थोड़ा रेस्ट करूंगा, रेस्ट करने के बाद फिर जाऊंगा नहाने के लिए।
सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ किचन के अंदर और मैं थोड़ा सा खाना वाना बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी हमको और मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, तो इसके लिए वैसे बनाने का मन नहीं कर रहा है, बट बनाना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि कोई है ही नहीं बनाने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। और बाहर से खाना डॉक्टर ने मना किया है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तो मैं अभी किचन में आ गया और चावल वगैरह जो है मैंने डाल दिया है और देखते हैं सब्जी क्या बनाता हूँ, जो भी आलू वगैरह का कुछ भी बनेगा, मतलब जो जल्दी बन जाए बस वही। ये चावल मैं बना रहा हूँ और ये आलू है, अभी देखते हैं आलू का क्या बनता है, आलू का भाजी वगैरह बन जाएगा और मतलब जल्दी बनाना है हमको, ज़्यादा टाइम लेके नहीं बनाना है क्योंकि और भी बहुत सारा काम आना भी है, कपड़े भी पैक करने हैं और शाम को निकलना है, तो चलो खाना वाना बना लेते हैं, पहले देखते हैं कब तक बनता है। सो गाइस, हमारा खाना बन चुका है और मैं दिखाता हूँ आपको, खाना मैंने बना लिया है, अब बनाने के बाद इसके बाद मैं नहाऊंगा और नहाने के बाद फिर खाऊंगा, काफ़ी तेज़ भूख लगी हमको, बहुत तेज़, सुबह से कुछ भी नहीं खाया और 2 बजने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया है। सो गाइस, ये चावल बना लिया हूँ मैं, ये चावल है, हमको लगता है चावल ज़्यादा बना लिया हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और ये है सब्जी, सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गया है, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। सो सब्जी ले सकते हैं, इसमें है आलू, आलू और चना, आलू और चने की सब्जी बन गई है और ये चावल है, अभी मैं इसको बंद करके जाऊंगा नहाने के लिए और नहा के फिर खाऊंगा। सो अभी खाना बन गया है, रेडी हो गया है, नहा लेते हैं। सो गाइस, मैं अभी नहा के नहाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा लेट गया था और जस्ट उठ रहा हूँ अभी, और अभी 5:30 हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो बैग के अंदर डालना है क्योंकि अभी टाइम नहीं है, 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा, तो जो कपड़े बचे कुछ हैं उसको मैं बैग में डाल लेता हूँ। ये मेरा छोटा सा बैग है, ये इसको भी लेके जाऊँगा और ये बड़ा वाला बैग है तो इसको भी लेके जाऊँगा, ये मेरा सूज है और ये एक सूज इधर है, बट ये बेकार है, पहनता नहीं उसको, ये ख़राब हो गया है। सो इसको मैं धो के बहुत पहले रखा था, 1 हफ्ते पहले ही धो के रखा था, बट मुझे नहीं पता था कि ये पहन के मुझे घर जाना पड़ेगा। सो एनीवे, अभी इसमें थोड़ा जगह है और जो कपड़े हैं वो ये कपड़े हैं, तो कपड़े उसमें डालने हैं और ये टॉवल वगैरह है, ये देखो ये मेरा गिटार है, इधर ही छोड़ के जाऊंगा, और इसमें से भी छोटा मोटा कुछ सामान है, ये मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो है और इसमें कुछ मेडिसिन्स है, और ये हमारा प्रोटीन से एक ट्रिमर है, इसको भी लेके जाना पड़ेगा, और ये हमारा बुक है, बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा, और बस ये सब, इधर खाने का सामान है, एक बुक उधर ढक के रखा हूँ। सो चलो ये सब जो भी है छोटे मोटे चीज़ ये डाल देता हूँ मैं बैग के अंदर और डाल के इसको काम को ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। सो इसमें जो जगह है वो मैं इसमें जगह बनाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, जगह तो काफ़ी है बट सही से रखा नहीं है मैंने इसको, इधर ही जगह बना लेता हूँ, तो इसको मुझे ऐसे डालना पड़ेगा, इधर एक, अरे गिर रहा है भाई, सॉरी, इधर एक डायरी भी है, इसमें डायरी में पता नहीं क्या क्या है, देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हैवी है, तो उसको मैं सोचा उसको लेके नहीं जाऊँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। सो बुक की वजह से मुझे लगता है काफ़ी हैवी हो जाएगा जो हैंड बैग है, क्योंकि 4 बुक है और 4 हैवी है, मतलब मोटा मोटा है, तो मैं फिर भी डालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, इसमें तो डाल नहीं सकता, तो इसको मैं इसी में डाल लेता हूँ। सो इतना सामान, इतना सारा सामान और बचा हुआ है और इसको भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है, इसमें सीरम है, ये सीरम लेके जाना बहुत ज़रूरी है, पुराना वाला है जो बचा हुआ था इसमें से, और इसमें काफ़ी बचा है, आधा बचा है, और जो नया वाला है वो तो लेके जाना ही है क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, 2 से 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो उसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पाउडर है दही में डालने जो लगाता हूँ मैं वो है, तो इसमें से बच, तो इसमें से ही बचा हुआ है, तो इसको भी लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ट्रिमर तो चाहिए चाहिए और इसका चार्जर, तो ये इंपॉर्टेंट सामान है, लेके जाना ही पड़ेगा, इसको डाल लिया प्लास्टिक के अंदर और ये अब एक जगह कहीं डाल दूंगा इसको, और इसके पहले जो मेरा अपॉइंटमेंट था अभी जो 2 दिन पहले मैं गया था, तो मुझे दवा मिला है हेयर का और इसको वापस ही मुझे वही मिला है, तो फिर से खाना है और ये 3रा महीना चालू हो जाएगा मेरा आज से। सो गाइस, मैंने पैकिंग कर लिया, पूरे कपड़े पड़े जो भी है छोटे मोटे सामान था सब डाल लिया मैंने, और अभी कुछ बचा नहीं है, थोड़ा मेडिसिन बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं बाद में डाल लूँगा, बाकी ये देख सकते हो ये मेरा बैग है बड़ा वाला और ये छोटा वाला, और बाकी एक जीन्स मैंने बाहर रखा है उसको पहन के जाऊँगा और ये टी शर्ट पहन के जाऊँगा। सो अभी पैकिंग कर लिया हूँ, अभी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ दवा बचा है, दवा मैं बाद में डालूँगा हैंड बैग में, और फिर चार्जर है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैंने जो टिकट लिया था तो वो वेटिंग लिस्ट में था, तत्काल 2nd AC का वेटिंग लिस्ट में था, एक वेटिंग लिस्ट था,
तो कंफर्म तो हो गया है, बट जब चार्ट प्रिपेयर होगा तो मालूम पड़ेगा आपको कि सीट नंबर क्या है, मेरा बॉगी नंबर क्या है। उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, तो चार घंटा पहले चार्ट प्रिपेयर होता है, तो आई थिंक 11:30 बजे का ट्रेन है, तो 7:30 बजे तक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, तो मेरे पास 4 घंटा बचेगा, तो उस टाइम निकलूंगा मैं 7:30 बजे, जब चार्ट आएगा फिर निकलूंगा यहाँ से। गाइस अभी हो गया है टाइम और अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि चार्ट जो है प्रिपेयर हो गया। सो गाइस ये है हमारा बड़ा वाला बैग और ये है छोटा वाला और ये शूज, और अभी मैं इसको पहनूंगा और पहन के फिर यहाँ से निकलूंगा। सो गाइस मैंने बैग ले लिया है, देख सकते हो पीछे बड़ा वाला है और आगे छोटा वाला है। सो अभी काफ़ी हैवी है, ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकता, आगे से मैं ऑटो पकड़ूंगा रोड से और वहाँ से सीधे स्टेशन। गाइस मैं आ गया स्टेशन पर, ये टिकट ले लिया मैंने और यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के मैं जाऊँगा LTT, अभी वहाँ से रात को 11:30 बजे जो मेरी ट्रेन है वो पकड़ूँगा। देख सकते हो ये मैं आ गया हूँ स्टेशन पे लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, मेरा इस पर आएगी, मेरी वाली जो ट्रेन है वो इस पर आएगी। ये मेरा बैग है, गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूं स्टेशन के पास और मैं अभी अंदर नहीं गया क्योंकि काफ़ी टाइम है, अभी 1.5-2 घंटा टाइम है, तो मैं बाहर ही बैठा हूं और बाहर ही थोड़ा बाहर हवा चल रहा है तो इसलिए बाहर बैठा हूं और वेट कर रहा हूं। सो गाइज ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हो अभी जाना है अंदर और मैं बैठा हूँ यहाँ पर बाहर में, इधर बैग है, इधर मिल रहा है खाने पीने का कुछ सामान तो मैं लूँगा अभी बाद में, अभी टाइम है तो मैं बाहर ही बैठा हूँ जस्ट। सो एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं है तो कैश का दिक्कत है, तो मैं देखता हूँ अगर आजू बाजू में कहीं ATM मिलेगा, वैसे तो दिख नहीं रहा है अभी, मैं देखा इधर उधर बट कहीं दिखाई नहीं दिया ATM, अगर दिखते हैं तो मुझे कैश निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे जेब में सिर्फ 100-150 ही पड़े हैं कैश, तो मुझे लगता है कहीं रास्ते में जरूरत पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए मैं देखता हूँ कहीं अगर ATM मिलता है तो मैं कैश निकालूंगा पहले, उसके बाद जो भी है पानी वगैरह और खाने पीने का जो भी है लूँगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। सो गाइज मैं काफ़ी पहले आ गया था और काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, बट फाइनली ट्रेन आ चुकी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है और आके लगी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और देखता हूँ सीट किधर है। गाइज ये देखो ये मेरी जो ट्रेन है ये लगी हुई है और मेरा जो आई थिंक कोच नंबर 19 है, सो आई थिंक पीछे रहेगा वो, तो मैं पीछे जा रहा हूँ, पहले जाते हैं उस पार उसके बाद देखते हैं किधर है। सो गाइस ट्रेन जो लगी है 2 नंबर पे है पर मुझे सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ रहा है, बैग भी इतना भारी है, पता नहीं 2 नंबर पे आके लगी हुई है। काफ़ी दूर है, मैं थक गया चल चल के, ये लगी हुई है हमारा और मेरा जो है H1 है, AH1, सो पीछे है वो, वहाँ जाना पड़ेगा, ये A1 है, आगे है AH1, ये वाला है मेरा, ये HA1 है ये, और इसके अंदर है मेरा, इसका दरवाज़ा भी बंद है अभी खुला नहीं है, कब खुलेगा, ये दरवाज़ा बंद पड़ा है, देखते हैं कब खुलता है, अभी तो काफ़ी टाइम है, 1 घंटा टाइम है, बट खुलेगा तो अंदर जाके बैठेंगे ना। सो गाइस मैं ट्रेन के पास आ चुका हूँ और जो ट्रेन की जो बोगी है जो उसका गेट है वो बंद पड़ा है मेरा वाला, पता नहीं कब खुलेगा, देखते हैं कब तक खुलता है, वेट करता हूँ, अभी काफ़ी टाइम है, 1 घंटा टाइम है, तो मैं वेट करता हूँ और देखते हैं कब खुलता है।
सो ये है आई थिंक 28 नंबर। सो गाइस ये है हमारा सीट 28 नंबर, देख सकते हैं इधर लिखा है। और ये जो भी है ब्लैंकेट वगैरह पिल्लो वगैरह डाल दिया है, इसका जो बेडशीट है वो बाद में डालेंगे वो लोग बोल रहे हैं ऐसा। तो मैंने एक सीट ऊपर जो मेरा एक छोटा वाला बैग है ऊपर डाल दिया है और बड़ा वाला नीचे डाल दिया है। सो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं, मैं पहुँच चुका हूँ और अभी भी टाइम है आधा एक घंटा। सो तब तक रेस्ट करते हैं। सो गाइज फाइनली मेरा जो सीट है वो मिल चुका है और मैं सामान वगैरह जो रख दिया हूँ अच्छे से, और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम है आधा एक घंटा टाइम है। चलो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगता है भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।